क्यों? हाँ, इसलिए हंस रही हूँ कि खुशी का इजहार कर रही हूँ। मेरा बेटा मस्जिद जमालपुर जा रहा है। माम, रिलैक्स। ये ड्रामेबाजी मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। You need to do something about it. You know I'm very straightforward like that. हाँ दुआ, तुमसे पूछ लेती हूँ। इससे पूछा तो इसने तो इनकार कर देना। बहुत straightforward बंदा है ना। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकती हूँ? अरे इससे ज़्यादा अच्छी और क्या बात होगी? चलें, हम लोग खूब enjoy करेंगे, रास्ते में बहुत बातें करेंगे। Brilliant. बिल्कुल ठीक है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो आप दोनों ड्राइवर के साथ चले जाएं ना। मैं enjoy करता हूँ। हाँ। सोच लें मुस्तजाब, हमें शाम हो जाएगी, आप रह लेंगे इतनी देर अकेले? चले ठीक है मम्मी, हम लोग ड्राइवर के साथ चलते हैं और आपको जो अपने जिस तरह टाइम स्पेंड करना आप कर लेना, ठीक है? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे इमाम साहब मिलकर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे बहन और नेक काम की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कोई नसीहत कीजिए इमाम साहब, ऐसी कोई बात जो मुझे हमेशा याद रहे। हम गुनाहगार लोग हैं बेटा, हम क्या नसीहत कर सकते हैं? इस दुनिया में नसीहत करने वाली और राह दिखाने वाली बस यही किताब है, कलाम हक। बेशक बेशक। यही हमसे कलाम करती है, यही समझाती है, यही नसीहत करती है और यही सीधा रास्ता दिखाती है। ये जो औलाद और माल और दौलत है ना, ये इस दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश है इंसान की। अल्लाह ही है जिसके पास सबसे बड़ा अजर है, लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए, उसकी सुनना चाहिए, उसकी मानना चाहिए और जहां तक हो सके उसकी राह में खर्च करते रहना चाहिए। इसी में हमारी बेहतरी है। जिन लोगों के दिल लालच से महफूज हो जाते हैं वही फला पाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया इमाम साहब, जैसा करो। चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। बाकी सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह।